डोंट थिंक कि टीयर 3 कॉलेज है तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। सो फर्स्ट मैंने इन्फोसिस से स्टार्ट किया, 50,000 सैलरी में मैं हैदराबाद में शादी के बाद सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। मतलब आई गॉट अ सीवियर बैक स्पैज्म एंड आई कुड नॉट सिट। आई हैड अप्लाई टू सेल्सफोर्स टन्स ऑफ टाइम बट एवरी टाइम इट गॉट रिजेक्टेड। घर वालों को भी यही लगता है कि भाई घर पे तो इंडिया में सरकारी नौकरी ले लो, वो सबसे बड़ी चीज है, चाहे क्लर्क लग जाओ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। राइट, अगेन पेन किलर खा के मैं इंटरव्यू देने गया या पापा वो उसकी इतना बोला हाँ इतना तो साइड वाइज काफी लोगों को पता नहीं होगा, मे बी दे विल नो आफ्टर दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। आज के वीडियो में हमारे साथ है नमन कौशिक सर, ही इज करंटली SMTS, ठीक है, जो तुम्हारा सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ होता है फुल फॉर्म, ठीक है। उन्होंने पहले एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया हुआ था, स्टार्टिंग में उन्होंने ज्वाइन किया था इन्फोसिस, देन उन्होंने डेलॉइट में काम किया एंड फाइनली ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट सेल्सफोर्स। तो आज की वीडियो में हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक सर्विस बेस्ड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा लाइक उन्होंने शिफ्ट कैसे किया, प्रिपेयर कैसे किया बीइंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, टाइम वगैरह कैसे निकाला, एंड लाइक करंटली उनके क्या लाइक रोल्स वगैरह हैं, क्या वो काम वगैरह करते हैं सेल्सफोर्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पहले सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो नमन, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो? श्योर निशांत, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपके वीडियोज देखे मैंने, दे आर सो इंस्पायरिंग। सो या मैंने बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी से किया कंप्यूटर साइंस में, एंड माय कॉलेज वाज HMRITM। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल वोंट हैव हर्ड अबाउट इट। प्रॉपर टीयर 3 कॉलेज जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे पूल कैंपस प्लेसमेंट्स होती थी, मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड जायंट्स यूज टू कम देयर। सो आई वॉज कैंपस प्लेस्ड एट इन्फोसिस एंड देन आई वॉज ट्रेन्ड एट मैसूर फॉर 4.5 months एंड देन आई गॉट अ जॉब लोकेशन इन पुणे। फिर वहाँ मैंने शायद 1.5 साल के आसपास काम किया एंड देन आई मूव टू डेलॉइट हैदराबाद। फिर वहाँ डेलॉइट हैदराबाद में वर्क फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2.5 years एंड देन आई मेड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम डेलॉइट टू सेल्सफोर्स। सो नाउ आई हैव बीन एट सेल्सफोर्स सिंस मोर देन 2 years नाउ। अमेजिंग अमेजिंग। सो आपने दोनों तरीके की कंपनीज में काम किया है, बीइंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो मेजर डिफरेंस क्या होता है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है, वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस होता है, काम वगैरह में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा बताओगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट मैंने इन्फोसिस से स्टार्ट किया, तो इन्फोसिस में तो फ्रेशर थे एंड बीइंग अ सर्विस जॉइंट वो फ्रेशर्स को अभी उस टाइम पे इतना अच्छा काम नहीं मिलता था। तो वर्क कल्चर वॉज अ बिट डिफरेंट दैन आई एम करेंटली डूइंग। Work was also different. I was working for an insurance client, so एक production support type of project था जिसमें मैं काम कर रहा था, not much of development, and you know we have to sit in the ODCs that we call, we can't carry our phones there, we just have to stick with the machines that they provide, कोई laptop नहीं कुछ नहीं। Then after that Deloitte में थोड़ा service based का थोड़ा better culture I would say, वहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंस था काम करने का, अगेन बट सिंस इट्स अ सर्विस बेस्ड वी हैव टू वर्क फॉर क्लाइंट्स, सो दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। इफ यू कंपेयर लाइक प्रोडक्ट कंपनी टू यू नो सर्विस बेस्ड कंपनी, द बिगेस्ट डिफरेंस जो मेरे को लगता है दैट वी हैव एन इंडिपेंडेंस हियर, वी हैव अ फ्रीडम हियर इन प्रोडक्ट कंपनीज, दैट कि मेरे को ऐसे काम करना है एंड आई यू नो चूज माई ओन वेज टू डू दैट। बट इन सर्विस बेस्ड यू हैव टू स्टिक विद द प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू यू नो सेवरल काइंड ऑफ अप्रूवल्स एंड email chains are so longer there that okay I want to implement this thing, and then deadlines are you know pretty much client specific there, and that's completely okay because that's their business model. But in product based it's like we are kind of you know controllers of the service that we are providing. We are like okay I'm working on a user story, I'm feeling that it will take like 3 estimate hours of my time, 3 days, then it's fine. It's I just have to justify it and I can work on it accordingly. And in case it spills over, that's completely fine. We are like, we are in charge there, I would say. Yahan pe you have a say, you know, if your opinion is really good, it matters to the team. It matters to, you know, the stakeholders with whom you're working. And plus, like culture-wise, yeah, it's a huge difference in terms of leave policy, in terms of, you know, the freedom to choose your working hours. Yeah, it's been great. I mean, Infosys was great, Deloitte was super great, and now Salesforce is like another level for me, I would say. ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कोडिंग एग्जाम्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। एंड यार, कोडिंग एग्जाम्स इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, में आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ठीक है, द्वारा DSNC++, जावा, पाइथन,
एंड यार ये जो टीचर्स हैं वो तुम्हारे स्टैनफर्ड आई आई ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने फेसबुक अमेजन जैसी कंपनी में काम किया हुआ है। एंड यार कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अमेजिंग है, ठीक है। मैंने खुद सेकंड ईयर में डी एस ए सी प्लस प्लस वाला जो कोर्स था वो यहीं से किया था एंड माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। एंड यार तुम्हें अगर लाइक कोई कोर्स करते हो डाउट्स वगैरह तो आते ही होंगे, तो उसके लिए यार यहाँ पे हिंट वीडियोज है, जैसे डी एस ए सी प्लस प्लस वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोज है। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारा बाई चांस डाउट सॉल्व नहीं होता है तो यार टी एस ए कोर्स तो है ही, 1-on-1 तुम्हारे डाउट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देखो। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने प्रिपेयर कैसे किया बीइंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, आप फुल टाइम काम कर रहे थे, काम करते करते आपने काफी सारी चीजें प्रिपेयर करी होंगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम कैसे निकाला लाइक ये प्रिपेयर करने के लिए? या निशान, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ सर्विस बेस्ड एम्प्लॉई दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग कि भाई कैसे टाइम निकाले एंड सच में इतना पैसा मिलता है क्या, आईटी मार्केट में इतना पैसा है। एंड 3 years डाउन द लाइन अगर मैं पास्ट में जाके देखूं तो इट वाज यू नो सच मैसिव थिंग फॉर मी एज वेल, कि लोग दोस्त बताते थे कि समवन इज वर्किंग एट अमेज़न एंड ही इज अर्निंग दिस मच, समवन इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट गूगल एंड दे आर यू नो गेटिंग दिस मच, तो यार वो अपने आप में ना अनरियल सा लगता था उस टाइम पे। सो मैंने कोशिश कर रहा था मैं, बट यू नो आई वॉज अप्लाइंग एट अमेज़न, आई वॉज अप्लाइंग एट माइक्रोसॉफ्ट, बट आई नेवर गॉट एनी कॉल्स व्हाटसोएवर। So 2019 मैं वुड से एंड अराउंड दिस टाइम इटसेल्फ अराउंड 20th फेब ओसो देयर वाज सम मैसिव सेटबैक इन माय पर्सनल लाइफ, कुछ मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हुआ एंड आई फेल्ट लाइक दैट वाज अ वेरी लो मोमेंट फॉर मी पर्सनली। आई वेंट टू हैदराबाद, आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन डेलोइट एट दैट टाइम, सो मेरा एक फ्रेंड होता था नील डेलोइट में, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग माय पर्सनल थिंग्स विद हिम एंड देन आई वाज लाइक कि अब तो मेरे को 12 lakh पैकेज भी पहुँचना है, दैट वॉज माई एम टू स्टार्ट विथ। एंड नील के काफ़ी फ्रेंड्स अमेजन में थे, सेल्सफोर्स में थे, तो ही यूज टू टेल मी स्टोरीज अबाउट दैम, बट दैट डे ही टुक मी सीरियसली दैट दिस गाय वॉन्ट्स टू रियली यू नो डू समथिंग नाउ। तो उसने मेरे को पूरा पाथ बताया कि ये पढ़ना होता है, अपने फ्रेंड से उसने पूछा है एंड दिस इज यू नो हाउ वी शुड प्रिपेयर, डेटा स्ट्रक्चर करना है, डिज़ाइन पढ़ना है एंड ऐसे करके। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ऑफिस के बाद, डेलोइट ऑफिस यूज्ड टू बी फ्रॉम 11 to 8 PM, सो ऑफिस के बाद हमने स्टे करना स्टार्ट किया कि विल स्टे इन द ऑफिस आफ्टर आवर्स एंड विल स्टडी, विल स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैंने इंफोसिस की ट्रेनिंग में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, थोड़ा कॉलेज में पढ़ा था, तो मेरे को आइडिया था बट मेरे को टर्म्स नहीं पता थी, जैसे इट्स लाइक बाइनरी सर्च है और यू नो काइंड ऑफ कि यहाँ पे रिकर्सन लग रहा है या कोई भी एल्गोरिथम हम यहाँ यूज कर सकते, तो नेम सेक का मेरे को नहीं पता था, बट या आई वॉज ऑलवेज गुड विद द लॉजिक्स। तो ही स्टार्टेड डूइंग एंड वी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 months डूइंग लिंक लिस्ट ओनली इन द ऑफिस एंड आई वाज लाइक मैन इस स्पीड से तो नहीं हो पाएगा okay. मेरे को था कि 2 महीने हो गए हैं तो मुझे 12 lakh पहुंचना है 3-4 महीने में, तो घर से भी प्रेशर आ रहा था कि शादी कर लो एंड आई वॉज लाइक कि भाई 50,000 सैलरी पर मैं हैदराबाद में शादी के बाद सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो इट वॉज दैट यू नो क्रूड फॉर मी, सो आई हैव टू डू समथिंग एंड अगेन पर्सनल मोटिवेशन था, वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे और डिजाइंस वगैरह भी पढ़ाते थे, तो हम लोगों ने वीकेंड कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंड एट दैट टाइम मेरा कुछ इंजरी भी हो गया, मतलब आई गॉट अ सीवियर बैक स्पैज़म एंड आई कुड नॉट सिट फॉर लाइक 7-8 months, आई कुड नॉट सिट, आई यूज टू स्टैंड इन द ऑफिस होल डे, माई हैमस्ट्रिंग वॉज सो टाइट आई कुड नॉट रन प्रॉपरली एंड यू नो घर पे आता फ्लैट पे आके मैं आई वॉज जस्ट यूजिंग दैट हॉट बैग और इवन द आइस बैग जस्ट टू यू नो काम माई पेन स्टफ लाइक दैट, बट वीकेंड्स पे वी वर लाइक कि भाई क्लास जाना है, पेन किलर खा के मैं क्लास जाता था एंड देन वहाँ पर पढ़ते थे डेटा स्ट्रक्चर एंड आके असाइनमेंट्स एंड ऑल, तो डेली आफ्टर ऑफिस में रुक के फिर हम असाइनमेंट्स करने लगे थे एंड दैट टू मैं तो खड़ा ही रहता था पूरे टाइम क्योंकि बैठा जाता ही नहीं था, सो पेनफुल एट दैट टाइम। दोस्त एक तरीका और बोलते थे कि पैसा कमाने एक तरीका है कि भाई बाहर निकल जाओ देश से, तो साइड वाइज काफी लोगों को पता नहीं होगा, मे बी दिल नो आफ्टर दिस वीडियो कि स्टैक ओवरफ्लो इज सच अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म इफ यू वांट टू गेट जॉब अब्रॉड स्पेशली यूरोप। तो मैंने वहां के जॉब सेक्शन में जाके बहुत यूरोपियन कंपनीज में अप्लाई किया, सो या आई गॉट अराउंड आई इंटरव्यू फॉर लाइक अराउंड 20 कंपनीज फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो इटसेल्फ, आई गॉट रिजेक्टेड each one of them, but the thing was I was not afraid of rejection, मेरे को था कि क्या है यार कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है सीखेंगे, at the end I'll succeed one day, पर ऐसा ही होने भी लगा। फिर I cracked one German company, that's a German government firm called Infosys, so they offered me around 60k euros at that time,
एंड विद विद 3 ईयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट. फिर जस्ट वो निकला, उसके जस्ट बाद मेरा एक EBI फॉर्म है, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, दैट्स बेस्ड इन कैम्ब्रिज. सो आई क्लियर देयर राउंड्स एज वेल एंड दे कॉल मी टू कैम्ब्रिज फॉर अ डिस्कशन. साइड वाइज दिस सेल्सफोर्स प्रोसेस हैज स्टार्टेड. आई हैड अप्लाई टू सेल्सफोर्स टन्स ऑफ टाइम बट एवरी टाइम इट गॉट रिजेक्टेड. बट दिस टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड, आई सॉ हिज लिंक्डइन पोस्ट दैट सेल्सफोर्स वाज हायरिंग. सो आई पिंड हिम ऑन लिंक्डइन कि बड़ी जस्ट रेफर मी, मे बी रेफरल वर्क्स, लेट्स ट्राई इट दिस टाइम. And then it worked. They called me for an interview. They sent a hacker rank test link. That was some Java problem, a kind of small project that I had to do on hacker rank. So yeah, that code succeeded. And that too had its ups and downs, because that had several unit test cases failing for me. And I was ki, my logic is absolutely correct. I'm seeing everything in my local machine, but why the hell unit test cases are failing? So I wrote that in. I wrote that in HackerRank feedback as well, that my logic is absolutely correct, I can bet on that. But your unit test cases are failing due to certain things. But then, nice. Salesforce has a very good policy, and I think other companies might have it too. Keep, only the tool is not the judge. There are software engineers who actually look at the code and then judge whether, you know, there was some technical issue or whether the logic is correct for the candidate or not. Okay. Yeah, so they found that my logic was correct and the unit test cases were failing because of some space errors in the project, in the output window. Yeah. So after almost 20 days, I had lost hope that I'll get called. But yeah, then they called me back in September ending that, hey, we liked your submission and we want to take the discussion further. And on the day of on-site interview, I had already this German offer. I had already talks going with this EBI firm from Cambridge. But still, I was like, yaar, log bole, bahar jaake to sab kar lete hain. Why not in India? It was like that. That, you know, kyunki ghar walon ko bhi yehi lagta hai ki bhai ghar pe to India mein sarkari naukri le lo, wo sabse badi cheez hai. Chahe clerk lag jao, that is the biggest thing. Right. Wo bahut sunne ko milta hai. So I was like, nahi yaar, ek इतना आगे आ गया हूँ तो. और एट दैट सेम टाइम अमेजन का भी मेरा मतलब हैकर रैंक राउंड क्लियर हो गया था, तो वो प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाला था. तो लाइक कि इनमें से एक तो निकालनी है मैंने. सेल्सफोर्स इंटरव्यू, ऑन साइट इंटरव्यू की रात फ्राइडे, आई रिमेम्बर वी आर पार्टिंग टिल 4 AM, लाइक फ्रेंड्स वर देयर एंड दे वर लाइक ऑल सेलिब्रेटिंग कि 2 महीने बाद तो जर्मनी जाएगा ये. एंड मैं वीजा भी लगवा चुका था जर्मनी का, आई हैड दैट वीजा ऑन माय पासपोर्ट कि अब तो जर्मनी जाना है मैंने. एंड वी आर पार्टिंग टिल 4, बट सब लोग गए तो आई वेंट टू माई रूम. आई वाज लाइक कि नहीं यार, इंटरव्यू है कल, कुछ तो पढ़ लेता हूँ, क्या पता आ जाए. तो आई स्टडी सम क्वेश्चंस अबाउट ग्राफ एंड यू नो सम कॉम्प्लेक्स अबाउट ट्रीज एंड ऑल. आई जस्ट टिल 6:30 AM आई यू नो जस्ट गिव देम अ ग्लिम्स. और फिर आई हैड अ स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 1 hour एंड देन आई जस्ट वेंट फॉर इंटरव्यू. अगेन पेन किलर खा के मैं इंटरव्यू देने गया. एंड लकीली टू लाइक देर वर 2 rounds ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट डे. And in the second round, they asked me graph theory, and the concept was the same one I read it after 4 AM that same day. I was like, man, timing matters. I mean, luck matters in interviews. Because graph was my weakest sport back then, but I had, you know, just read those things the same morning. They were quite fresh in my mind. So yeah, I was quite confident that I have done well. And yeah, after waiting for a week or so. Amazing. Yeah, I was just, you know, walking after the lunch in my office itself, and then I got a call from the HR from Salesforce that, hey, Naman, we liked your rounds and all, so we want to go ahead with the offer. Do you have any number in mind? And I was literally, okay, I have an offer from Salesforce. And they told that, do you have any expectations in mind? And I did not have any at that time, to be very honest. I was overwhelmed that I have got an offer from Salesforce. So I told the HR, just give me some time, I'll call back. And then I looked at Glassdoor. And in Glassdoor, numbers were like around 20 fixed. They provide to 3 years experience, 4 years experience. That was the number at that time. I asked Neil, he also told the same number, that 18, 19 they'll give. But still, I was not believing this because my package was around 6.5 at that time. So I thought 300% hike is a massive one. They won't give me that. So, but instead they offered me, they were just, you know, I think playing around with me, just negotiating for 15 as well. When I looked at the proposal mail,
I was literally in tears. I was like, ki, man, I did not expect this. Amazing, yeah. I called my father that, ki, Papa, kahan? कि कहाँ पे हो पापा वो समय कि मैंने बोला जहाँ भी मेरा दीवार पर कहते क्या हुआ मैंने बोला एक कंपनी में हुआ पापा डिड नॉट नो द कंपनी ने कि ऐसा ऐसा उन्होंने ऑफर कर दिया पापा वो उसकी इतना मैंने बोला हाँ इतना तो यार दैट वाज सम यू नो ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर मी मैंने अपने दोस्तों को दिखाया एंड वो लाइक माई फ्लैटमेट्स कि भाई तूने सोचा था जिंदगी में इतना नंबर देके आ नहीं भाई मैं अभी तक सोचता था कि 5 साल बाद शायद मैं 20 लाख पे पहुंचूंगा दैट वाज माय एम बट इस एक साल में इतना कुछ हो गया तो दैट वाज लाइक लिटरली अमेजिंग फॉर मी ग्रेट ग्रेट काफी अमेजिंग द होल जर्नी द होल स्टोरी वाज काफी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग सो नमन मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि कोई आपके सजेशंस वगैरह जो लोग अभी सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं टीयर 3 कॉलेजेस में कि लाइक कुछ भी एक दो टिप्स हो या सजेशंस हो आपके उनके लिए बिल्कुल सो जो भी गाइस एंड गर्ल्स डोंट थिंक कि टीयर 3 कॉलेज में तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है डोंट थिंक कि इंफोसिस में चले गए तो कुछ नहीं हो सकता आई एम टेलिंग यू इंफोसिस टीसीएफ विप्रो आर डूइंग अ ग्रेट जॉब दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब दैट दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अवर टीयर 3 एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस अ बेस कि जहाँ से हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में एंट्री कर पा रहे हैं अदरवाइज इंडिया का जिस तरह का पॉपुलेशन एंड यू नो द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे अब हर कोई आईटी लेता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन आईटी और सीएस एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल आर कमिंग टू आईटी एंड सीएस कंपनी सो डोंट गिव अप जस्ट यू नो जस्ट पिक योर बैटल्स कि हाँ हाथ पैर मारते रहो यार कुछ ना कुछ तो होगा और रिजेक्शन से मत डरो कि अरे इस कंपनी में रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू दूंगा यहाँ बेइज्जती हो जाएगी तो क्या हो गया कुछ तो सीख के ही निकलोगे टाइम मैनेज करो तो वर्क फ्रॉम होम ने इतना टाइम दे दिया लोगों को इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं यू नो देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स नाउ हु यू नो गाइड पीपल कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर का कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स लेने कैसे डिजाइन तुम्हें पढ़ना है तो इट हैज बिकम सो इजी एंड इंडस्ट्री इज यू नो जस्ट इन अ बबल राइट नाउ दैट इज यू नो पेइंग हैंडसमली टू दोज हु आर टैलेंटेड सो गिव अप मत करो अपना टाइम मैनेज करो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और दोस्तों की मत सुनो इस बारे में कि भाई हाँ तेरे को ही तो 10 लाख मिलेगा या तेरे को ही तो 20 लाख मिलेगा जब तुम कर दोगे ना वो तो वही दोस्त बोलेंगे यार यू आर द इंस्पिरेशन फॉर अस होन योर स्किल्स वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ ट्रू या बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप गोइंग कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नमन फॉर टेकिंग आउट टाइम काफी मजा आया आपके साथ बात करके यार निशान थैंक यू सो मच यार फॉर हैविंग मी हियर मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं मैंने देखा यार कितने बच्चे वो वीडियोस देखते हैं तो इट्स एवरीबॉडी नीड्स इंस्पिरेशन यार एंड इट्स यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एट दैट बॉडी हैट्स ऑफ टू यू थैंक यू सो मच सर इतना ही था आज वाली वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो ऑल्सो नमन कौशिक सर का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है पर्सनली कुछ बात करनी है तो तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के कर सकते हो सो इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय